नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन में इसका बहुत ज़्यादा हमको यूज होता है। हम स्टील के बारे में जानेंगे कि हमारा टाइप ऑफ स्टील क्या है। हमारा फ्रेंड से चैनल है अमित सिविल इंजीनियरिंग, इस पर जाकर आप यूट्यूब पर जाकर जो है इसको देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में। जैसा यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ टाइप है, 7 टाइप का स्टील हम जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज करते हैं। इनमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, कौन किससे बेहतर है, कौन किससे क्या ऐसी क्वालिटी है जो उसको स्पेशल बनाती है, तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। जैसा कि सबसे पहले देख रहे हैं माइल्ड स्टील बार, उसके बाद है फ्रेंड्स HYSD। तो हम एक एक करके जानेंगे, सबसे पहले माइल्ड स्टील के बारे में जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड देख रहे होंगे, अब हम एक एक करके माइल्ड स्टील बार कैसा होता है। ये फ्रेंड्स प्लेन होता है, इसमें कोई राउंड शेप नहीं, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये प्लेन सरफेस रहता है और ये बहुत माइल्ड होता है, मतलब इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये प्लेन होता है एंड इसका जो आउटर सरफेस है वो राउंड होता है, राउंड इन शेप, ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये 6 mm से लगा के 50 mm तक डायया का जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा आपको इसके बारे में बता दूँ, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसा प्लेन बार पहले मेनली यूज होता था बहुत ओल्ड टाइम में, बट अभी भी कहाँ कहाँ पे, जैसे एक्सपेंशन जॉइंट पे फ्रेंड्स लंबा रहेगा वीडियो, तो आपको पूरी जानकारी लेना है तो आप फ्रेंड्स पूरा लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। एक्सपेंशन जॉइंट पे, कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट पे, रनवेज में और कॉलम का जो स्पाइरल बनता है, आप बिल्डिंग में देखे होंगे स्पाइरल जो हमारा राउंड शेप में ऐसा ऐसे करके जो बनता है स्पाइरल, उसमें इसका, क्योंकि इसमें जो है बहुत जल्दी इसको जो है बेंड कर सकते हैं इसका जो है। और एक क्वालिटी बता दूँ फ्रेंड्स, इसको बहुत आसानी से कट एंड बेंड कर सकते हैं और कोई डैमेज नहीं होगा, विदाउट एनी डैमेज। थोड़ा सा हमारा स्पेलिंग राइटिंग अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। और मैं बता दूँ इसमें जो है, लेकिन इसका क्वालिटी क्या है, इसमें बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, जितना ग्रिप इसमें होना चाहिए नो ग्रेट बॉन्डिंग नहीं मिलता है। बॉन्डिंग तो होता है बट नो ग्रेट बॉन्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें स्ट्रेंथ भी जो है और की अपेक्षा, अगर स्ट्रेंथ के कारण में जाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होता है इन कम्पेयर टू अदर। अभी जैसे हम आगे आएंगे HYSD में जाएंगे या जो टेंसाइल सुपर डक्टाइल बार से उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो कंपेरेबल स्ट्रेंथ थोड़ा उससे कम होता है। तो फ्रेंड्स आगे बने रहिए, अभी हम सेकेंड पे जाएंगे। जैसा कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये प्लेन एंड राउंड शेप में होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 6 mm से 15 mm डाय तक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स में, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में और रनवेज में, कॉलम्स की स्पाइरल्स वगैरह में ये मेनली यूज होता है। इसको कट एंड बैंड विदाउट एनी डैमेज के आसानी से कट एंड बैंड कर सकते हैं, इसका ये स्पेशलिटीज़ है। और इसमें जो है बहुत अच्छी ग्रेट बॉन्डिंग नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती है, और स्ट्रेंथ इसकी थोड़ा सा लेसर होती है। इसको रब कर देंगे, अगले इस पर जाए। नंबर 2 था HYSD, जैसा कि आप सभी ने इसका फुल फॉर्म सुना होगा, इसका जो है एब्रिविएशन है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बॉन्ड। फ्रेंड्स जैसा कि इसके नाम से पता चला है कि इसका हाई स्ट्रेंथ और डिफॉर्म बॉन्ड, इसका शेप कैसा होता है फ्रेंड्स, जैसे इसको हम ऐसा बना सकते हैं, आपने शायद देखा होगा इस तरह का कुछ रहता है। ये जो फ्रेंड्स बार है ये, और ये जो इसको बोलते हैं रिम, इसको बोलते हैं रिम, ये भी आपकी जानकारी के बता दी, ये भी बोलते हैं कुछ इस तरह के शेप में रहती है, इनको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मर। इसका क्या क्या क्वालिटी है कुछ बेसिक बता देते हैं। इसका जो है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज सो गुड, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो इसका होता है, इसकी जो गुड वेल्डिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसमें क्या अच्छी क्वालिटी है कि जो है ये मैलेबिलिटी और स्ट्रेंथ हाई टेंसाइल, इस पर अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको अपने लिए वीडियो बनता। ये फ्रेंड्स कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इसकी स्पेशल कैरेक्टर्स को अलग बनाती है, और इसका स्पेशली इसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इसकी गुड वेल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी इसमें होती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, TMT बार पर, जो कि हमारा तीसरा टाइप है। तो TMT बार पहला हो गया हमारा माइल्ड स्टील बार, दूसरा हो गया HYSD हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और तीसरा हो गया TMT बार। TMT बार फ्रेंड्स सबने सुना होगा, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार,
इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर अचानक से इसको ठंडा कर दिया जाता है तो इसमें जो है, इसमें इसका भी सेप कुछ कुछ एच वाई एस डी की तरह होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पाएंगे ऐसा रहेगा, ऐसा बार इसका सेप रहता है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन जैसे देखेंगे, इसमें फ्रेंड दो लेयर होता है, जो अंदर वाला है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं कोर, और ये हो गया आउटर फेस। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या फ़र्क है, ये जो ऊपर का है इसमें जो है फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो अंदर का है ये सॉफ्ट होता है, जो कोर पोर्शन है वो सॉफ्ट होता है, बट जो इसको अचानक से ठंडा आ जाता टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है ये क्या होता है, ये हार्ड होता है। इसमें इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, इसको जैसा हमने बताया था ऐसा लिखा रहेगा इस पर पीएमटी, ये रीब होता है जैसा हमने आपको पहले बताया। अब इसमें क्या क्या कुछ क्वालिटीज़ है मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसकी मैं बता दूँ, इसमें तो बेटर डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी होने का रीज़न मैंने आपको बताया, इसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी लेजर होता है और जो अंदर का कोर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। डक्टिलिटी है मैलेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है, और इसकी भी जो है हाई यील्ड होते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है फ्रेंड्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है फ्रेंड्स, एंड टफनेस, टफनेस फ्रेंड थोड़ा राइटिंग कम अच्छी है, टफनेस इसलिए मैं थोड़ा जोर देकर बोल रहा हूँ। और इसकी कुछ क्वालिटीज मैं बता दूँ, इसको जो है ये मोर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है, अगर हमको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनानी है तो फ्रेंड्स हम इसको प्रीफर करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये थर्मल रेजिस्टेंस है, इसमें जो है जल्दी जो है टेम्परेचर या आग लगता है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल भी है और मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है, इसका हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी फिलहाल में। और इसका जो है वेल्डेबिलिटी भी, वेल्डेबिलिटी जैसा हमने पहले बताया था एच वाई एस डी के केस में, इसकी हाई वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी। तो फ्रेंड ये इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करिएगा, एक बार ध्यान दीजिए। और ये कोरोजन, इसमें जो है सबसे जो मैंने मेन पॉइंट भूल गया था, इसमें कोरोजन बहुत स्लोली इफेक्ट होता है, उसका रीज़न जैसे मैंने बताया ना, ये जो हार्ड फेस है ना ये इसको रजिस्ट करता है, जो अंदर वाले कोर पोर्शन को है ये इसको रजिस्ट करता है, जो बाहर का आउटर फेस है जिससे हमने पहले बताया था। तो फ्रेंड इसके अगले में, और ये रजिस्ट करता है, अंदर का कोई सॉफ्ट है बट इसके जो बाहर की लेयर है वो बहुत हार्ड होती है और वो इसको कोरोजन रजिस्ट करती है। तो फ्रेंड्स इसका ये भी एक क्वालिटी है। अब हम अगले टॉपिक पे, अगले फोर्थ टाइप के में जाएंगे। फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे आप, जैसे कि ये TMX है, जैसे हमने पहले बताया कि ये एक तरह की जर्मन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है इस स्टील को बनाया जाता है, जिससे TMT है और ये जो है जर्मन टेक्नोलॉजी जिसमें TMX है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मैं आपको बता दूँ, एक तो इसमें लो कार्बन कंटेंट है फ्रेंड्स, लो कार्बन कंटेंट, ठीक है, ये एक स्पेसिफिकेशन है जिसका कार्बन कंटेंट कम होगा स्वाभाविक है इसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, जैसा कि मैं अगले पॉइंट में लिख रहा हूँ, बेटर डक्टिलिटी, बेटर डक्टिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला मैं बता दूँ बेटर इलोंगेशन, अगर डक्टिलिटी अच्छी होगी तो इलोंगेशन भी अच्छा होगा, मतलब जो इलोंगेशन क्या होता है फ्रेंड, जिससे ये सही है, अगर उसको दोनों साइड से खींचेंगे तो जो ये जो इसका जो टेंसाइल है वो हमको अच्छा मिलेगा, मतलब हमको इलोंगेशन काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा होगा, जो 12% से 16% तक है ये इसका विजन रेंज में है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इसका जो वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी और एंड फायर रेजिस्टेंस, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, फायर रेजिस्टेंस एंड रिप्स, इसमें बहुत ज़्यादा रिप्स प्रोवाइड की जाती है, जो रिप्स है ना ये ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है नंबर्स में, तो इसका जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग फिर और इसका जो है लॉन्ग लाइफ होता है, जैसा कि बताया इसमें रिप्स ज़्यादा होती है तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की अच्छी होती है और इसकी जो है लॉन्ग लाइफ मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह की टेक्नोलॉजी हो गया। हम अगला बताएंगे आपको फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं अगला है हमारा CRS, इसको हम फ्रेंड्स फॉर्म एप्लीकेशन का कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, इसमें बेसिकली क्या होता है ये कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें एक इसमें कोटिंग टाइप की रहती है जो इसके ऊपर एक लेयर रहती है, कड़ी रहती है कोटिंग दोनों साइड से, ठीक है, जिसमें क्या होता है एडिशनली जो है कॉपर और क्रोमियम का जो है इसके ऊपर एक लेयर रहता है, इसको जो है एडिशनली जो है इसको ऐसा फ्रेंड बताइए, जो मैन्युफैक्चर जब करते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं तो एडिशन करते हैं कॉपर और क्रोमियम का, जो इसको कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील बनाता है, तो ये एक स्पेशल तरीके का है। इसके बाद ST एक तरह का ये भी एक स्टील है, तो ये क्या होता है सुपर डक्टाइल, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स इट ऑफर्स मोर एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टू द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड देयर फोर ए हायर इवैक्यूएशन टाइम इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स। बेसिकली होता क्या फ्रेंड्स, ये डक्टिलिटी इसका सुपर होने की वजह से क्या होता है, जब हम अर्थक्वेक वगैरह आता है जब भूकंप आता है तो क्या होता है इवैक्यूएशन ज़्यादा देर, क्योंकि ये डक्टाइल है मतलब इसके अंदर तन्यता, अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसके अंदर तन्यता ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है जो इवैक्यूएशन जब भूकंप आता है तो उसको ये ज़्यादा देर तक रजिस्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये एक तरह की क्वालिटी है जो स्पेशल इसको बनाती है और ये कुछ स्पेशल जगहों पे इसको यूज किया जाता है। अब हम आ गए सबसे लास्ट पड़ाव पे, इसमें सबसे लास्ट टी और टॉर, इसको बोलते हैं टॉर स्टील,
कॉर्पोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरह का अलग मेथड है जिसमें हम इसको कोल्ड ट्विस्टेड बार, इट इज कोल्ड ट्विस्टेड बार। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये HYSD के फॉर्म में जैसे HYSD स्टील बनाई जाती है, उसी तरीके से इसको भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू जो है पहले हीट करके इसको ये करते प्रोसेस करते फिर एंड कोल्ड ट्विस्टेड इसको ठंडे उसमें डाल के जो है इसको डिफॉर्म किया जाता है और तब ये जाके बनता है टॉर। तो फ्रेंड्स ये एक अलग तरह का स्टील है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। और इससे स्टील से रिलेटेड आपको अगर कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए तो भी जाके कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करें। थैंक यू।